तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसकी हमारे पास फाइल होती है, ये सब हमारे पास इसकी एक स्पेशल ट्रिक है जो कि आपको हम क्लास में बताते हैं। जैसा कि हमारा फोन फिक्स HYD जो हमारा यहाँ पे आपको ये सारे स्पेशल फाइल है और आपको स्पेशल ट्रिक है जो बताई जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन आते हैं तो हम यहाँ हमारे स्टूडेंट को हम फ्री में देते हैं। तो आप हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक Y2 आया है जो कि MMC ड्रेड है और इसके अंदर हम MMC कैसे डेड है और कैसे इसका रिपेयर करना है, कैसे चेंज करना है, और हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आया है कि ड्यूल नेटवर्क में हमारा नेटवर्क काम करेगा। तो इसके लिए मैं आपको लास्ट तक देखो वीडियो, मैं आपको पूरा शेयरिंग करूंगा इसका कैसा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा ये फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि ऑटो पोर्ट बना रहा है, देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ फ़ोन को और फ़ोन कनेक्ट होते ही मेरा यहाँ पर पोर्ट बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक तो सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है या MMC डेड होगी। तो हम इसे पता कैसा करेंगे कि हमारा MMC डेड है या नहीं डेड है। तो जैसे कि यहाँ पे रीड इन्फो है, अगर जैसे मैं यहाँ पे रीड इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर यहाँ पे यूजिंग अल्टरनेट मेथड लिख कर रेड में अगर लिख के आएगा तो इसका मतलब हमारी MMC एक तो डिस्कनेक्ट है या फिर एक तो ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चेकिंग हो रही है उसकी। ठीक है भैया, हो गया एरर आ रहा है, मतलब चेक करेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजिंग अल्टरनेट मेथड लिख के आ गया है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया कि MMC अगर सॉफ्टवेयर का इश्यू होता तो यहाँ पे आपका MMC का आइडेंटिफिकेशन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे MMC का प्रॉब्लम मतलब MMC डेड है आपकी, तो यहाँ पे ये एरर आएगा इस तरह के से। तो चलो देखो, हमारे पास एक तो MMC यहाँ पे एक रेडी भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखा हूँ। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो, हाँ तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मेरा एक RPMB क्लीन वाला MMC लगा हुआ है जैसे कि 3/32 है और मेरा यहाँ पे बूट पार्टीशंस भी हो गया है रिपेयर। तो चलो हम ये यहाँ पे ये MMC को रिपेयर करते हैं। और मेरे फ़ोन में देखो, आपको बता देता हूँ कि MMC कौन सी लगी है। तो जो Y2 में हमेशा इशू आती है जो कि MMC होती है, माइक्रोन की MMC होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ़ोन में दिख रहा है कि शायद नहीं दिख रहा है, मैं आपको क्लियरली कि मैं बता देता हूँ। हाँ देखो, जैसे कि मैं आपको बताया कि इसका जो MMC है इसमें माइक्रोन लगा हुआ है, आपको शायद दिखेगा क्लियर इमेज। देखो, एक माइक्रोन की आपको MMC लगी है जो कि हमारी डेड है। तो हमें ऐसे सैमसंग की जो MMC होती है, जैसे कि मेरे पास एक रेडी है MMC, ठीक है, तो ये सैमसंग की MMC, मैं आपको रिप्लेस करके बताऊंगा, उसके बाद आगे का पार्टीशंस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये डेड MMC है जो कि माइक्रोन की लगी है, ये निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि मेरी जो डेड MMC थी माइक्रोन की, मैंने निकाल दिया और इसकी जगह पे मैं एक सैमसंग की MMC जो मेरी कॉम्पिटिबल है RPMB क्लीन वाली, इसे मैं फिक्स करूँगा इसमें। उसके बाद उसको फ्लैश करके आपको ऑन करके बताऊँगा। हेलो हेलो, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये दूसरी MMC जो RPMB क्लीन वाली MMC है सैमसंग की, जो मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ।
जैसा कि मैंने अभी MMC इसमें बिठा दिया है हमारी आर्किंडी क्लीन वाली, तो अभी हम इसे फ्लैश करेंगे पहले इंजीनियरिंग रूम से, क्योंकि इसमें अभी कोई भी फाइल नहीं है और ये हमारा ऑटोपोर्ट बनाएगा अभी भी। तो जैसे कि मेरे पास इसमें ENG फाइल है यहाँ पे, तो मैं ये सबसे पहले ये फ्लैश करूँगा ENG फाइल से। तो मैं सिंपली एक UMT से फ्लैश कर सकता हूँ इसको, जहाँ पे मेरी फाइल है वहाँ पे मैं इसको फ्लैश कर सकता हूँ Y2। पीछे से अच्छा, ये हमारी फाइल सेलेक्ट हो गई है, उसके बाद हमें इसे फ्लैश करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया, अभी हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे कोई भी एरर्स नहीं आएगा, जैसा कि हमारी माइक्रोन की MMC लगने पे पता चल गया था कि हमारी MMC ख़राब है, इसके लिए वो हमारा फ्लैश नहीं हो रहा था। तो अभी यहाँ पे देख लो कि हमारा अभी ये सैमसंग की इसमें MMC लगी है, थोड़ा यहाँ पर नोटिस किया, यहाँ पे हमारा एक सैमसंग की MMC लगी है जिसमें हम इंजीनियरिंग MMC चेंज वाली फाइल फ्लैश कर रहे हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप देख रहे होगे। कुछ लैग इशू की वजह से यहाँ स्क्रीन शो नहीं कर रहा, लेकिन मेरा फ्लैशिंग हो रहा है, ठीक है। कुछ स्क्रीन लैग हो गया जिससे हमारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन बट फ्लैशिंग मेरी अभी स्टार्ट है, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि मेरा एरर ऐसा हाइड हो गया है फाइल का। तो कोई इशू नहीं है, हमारा फ्लैश हो रहा है। तो ये हमारा फ्लैश डन होने देंगे पहले, ठीक है। मेरा यहाँ पे फ्लैशिंग डन हो गया है, जैसे कि यहाँ पे मेरा पोर्ट बना रहा था कॉलकॉम का, वो अभी नहीं बना रहा है, यहाँ पे स्क्रीन बता दी यहाँ पे नीचे। तो देखो यहाँ पे मेरा अभी MI का लोगो आया था एक, हाँ देखो ये मेरा MI लोगो आ गया, फ्लैशिंग मेरी डन हो गई है। अभी हम इसे ऑन करते हैं, मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा। देखो यहाँ पे पता नहीं क्या इशू आया था जिसकी वजह से मेरा शो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा अभी फ़ोन यहाँ फ्लैश हो गया। जैसे कि देखो इंजीनियरिंग रूम से फ्लैशिंग हो गया है, एंड्रॉइड आ गया है, ठीक है। जैसे कि हमारा फ़ोन ऑन हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा IMEI नंबर यहाँ क्या बता रहा है। यहाँ पे अभी IMEI नंबर हमारा कुछ भी नहीं बता रहा है, हम इसे यहाँ पे दोनों IMEI नंबर राइट करेंगे, उसके आगे का फिर मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसा कि मेरा फ़ोन इंजीनियरिंग रूम में ऑन होने के बाद इसका मैंने सिक्योरिटी राइड किया है, तो जैसे देखो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी आपको बताऊंगा। ये हमारा सिक्योरिटी राइड हो चुका है, ठीक है। अभी इसका आगे का प्रोसेस हम करते हैं। अभी हम इसे इंजीनियरिंग रूम में इसका अभी ग्लोबल फ्लैश फाइल हम इसे राइड करेंगे। तो जैसे कि देखो मेरा यहाँ पे फ्लैश डन हो गया, जो कि मैंने ग्लोबल फ्लैश किया था, पहले इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद उसके सिक्योरिटी राइट किया था। अब मेरा ये ग्लोबल वर्जन यहाँ पे राइट हो चुका है, वो भी लेटेस्ट वर्जन V12 वर्जन जो है, MIUI वर्जन जो मेरा 12 वर्जन है, अभी ये अपडेट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे, देखो रेडमी आ गया है, इसे ऑन कर दें पूरा, फिर देखते हैं। हमारा यहाँ पे दो सिम रेडी है, दोनों सिम हम आपको लाइव बताएंगे कि हमारा सिम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। Y2 के अंदर MMC चेंज ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस हो रहा है हमारा। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप लाइव चेक कर सकते हैं। हमारा यही फ़ोन जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे स्टार्टिंग में, हमारा यही फ़ोन था, यही बोर्ड था, आप चेक कर सकते हैं वीडियो में जाके कि
कि ये कोई दूसरा फ़ोन नहीं है, वही फ़ोन हमने जिसमें MMC चेंज किया था। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देता हूँ कि कौन सा फ़ोन था ये हमारा। पहले तो इसको ऑन होने दीजिए, देखो हमारा ये फ़ोन अभी बूट कर लिया है। नहीं तो यहाँ पे पहले दोस्तों ये क्या होता था, ये भी आई में राइट होता था, जब यहाँ पे आ जाता एन वी रैम करप्टेड लिख के आता था, आपका फ़ोन रिकवरी में जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे ये फ़ोन रिकवरी में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसकी हमारे पास फाइल होती है, ये सब हमारे पास इसकी एक स्पेशल ट्रिक है जो कि आपको हम क्लास में बताते हैं। जैसा कि हमारा फ़ोन फिक्स HYD जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा फ़ोन फिक्स HYD। यहाँ पे आपको ये सारे स्पेशल फाइल है और आपको स्पेशल ट्रिक है जो बताई जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन आते हैं तो हम यहाँ हमारे स्टूडेंट को हम फ्री में देते हैं। तो आप अगर आपको आपको ये सोल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे से कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। ये देखते हैं हमारा ये फ़ोन ऑन हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है, तो इसके लिए इसको दो से पाँच मिनट का टाइम लेता ही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जब तक ये हमारा फ़ोन पूरी तरह से बूट नहीं होता है। कितने मदद तुर तो फ्रेंड्स हमारा फ़ोन पूरी तरह से बूट हो गया। हमारा ये MIUI वर्जन 12 वर्जन यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं MMC चेंज में हम ये MMC चेंज करके MIUI 12 वर्जन से हम इसको पूरा बूट कर लिए। सो फ्रेंड्स हमारा ये फ़ोन पूरी तरह से बूट हो गया आप देख सकते हैं। और आपको मैं चेक कराता हूँ, हमारा वही IMEI नंबर जो इसमें हमने सिक्योरिटी राइट किए थे वही हमारा IMEI नंबर है इसमें। ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा दिखने का।
तो सो फ्रेंड्स हमारा वही है सिक्योरिटी फाइल, वही सिक्योरिटी हमारा IMEI नंबर है, इसमें वही हमारा IMEI नंबर आ गया है। उसके बाद आपको मैं बता दूँ दो ड्यूअल बैंड हमारा वर्क करेगा, तो ये हमारा सिम दोनों भी है आपके सामने लाइव, ये सब चीज़ें हो रही है, आप चेक देख लो। तो अभी यहाँ पे देख लो हमारा यहाँ पे दोनों भी नेटवर्क आ रहा है, हमारा एक तो जियो आ गया है, इसमें सेकेंड हमारा सिम एयरटेल का, तो मेरे एरिया में थोड़ा सा एयरटेल का थोड़ा सा वीक है, थोड़ा लेट आता है, मेरा सेकेंड सिम भी आ जाएगा आपको। एयरटेल का सिम है इसमें, इसका पीछे का नेटवर्क का वो लेके आऊँ एक बार, यहाँ पे रखा हुआ है सामने। देखो सर, देखो फ्रेंड्स हमारा दूसरा भी सिम आ गया है, जिसके इसके पीछे का जो नेटवर्क का जो वहाँ पे वीक आ रहा था, ये हमारे बैक इसके लगाने से नेटवर्क भी हमारा सेकंड सिम भी वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे जियो का भी सिम है और एयरटेल का भी सिम है, और हमारा दोनों सिम प्रोसेस में आ गया है, और ये हमारा IMEI चेंज वाला फर्स्ट टाइम हमारे पास इसका प्रोसेस हुआ है, और हमारे पास इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ठीक है,